बात करेंगे रियातवाड़ी सिस्टम की. बेसिकली इट इज वन ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम्स दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया. हम एक और वीडियो में बात कर चुके हैं जहां पर हमने जमींदारी सिस्टम की बात की थी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रियातवाड़ी सिस्टम. देखिए, रियातवाड़ी सिस्टम लाया गया था इंडिया में थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड के द्वारा. अराउंड 1820 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि रियातवाड़ी सिस्टम जब लाया गया था उस समय इंडिया में यूटिलिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी के कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स आ गए थे एंड थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड आर वन ऑफ देम, राइट. सो इनकी अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो का मानना था कि हमें ऐसा सिस्टम लेकर आना चाहिए विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. अगेन यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी भी तो यही कहती है कि भाई ऐसा सिस्टम हमें लेकर आना है विच गिव्स मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. अब जमींदारी सिस्टम के बहुत सारे नुकसान हो रहे थे. उन सब नुकसान को या उन सभी जो उसके डिसएडवांटेजेस थे उसे देखते हुए एंड इस आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर यहाँ पर जो है ये जो रियातवाड़ी सिस्टम है इसे लाया गया. अगर हम बात करें एरियाज की तो मोस्टली ये जो रियातवाड़ी सिस्टम है सबसे पहले मद्रास में लाया गया, उसके बाद महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इसे लागू किया गया. अब रियातवाड़ी सिस्टम में है क्या? देखिए, रियातवाड़ी सिस्टम में जो वर्ड रियात है इसका मतलब होता है पेजेंट, राइट. इसका मतलब है पेजेंट यानी कि किसान. इस सिस्टम में होगा ये कि यहां पर कोई मिडल मैन नहीं होगा एंड गवर्नमेंट को जो भी टैक्स इकट्ठा करना है वो डायरेक्टली किसान से इकट्ठा करेगी. हमने जमींदारी की वीडियो में देखा था कि एक मिडल मैन को अपॉइंट किया गया था किसान के और गवर्नमेंट के बीच में, जिसे हमने जमींदार कहा, लेकिन यहां पर उस मिडल मैन को हटा दिया गया. दूसरी बात यह कि जो रियात होगा उसे ऑनरशिप राइट्स आपने दे दिए गए. अब जमीन का जो ऑनर होगा उसे और कोई ऑनर नहीं होगा बल्कि वो रियात इटसेल्फ होगा एंड रियात जो है उसी के पास सारा मालिकाना हक होगा. अगर वो चाहे तो जमीन को सेल कर सकता है, उसे सबलेट कर सकता है एंड उसे यहां पर लीज पर दे सकता है. सो जमीन का जो मालिकाना हक है वो आपने किसको दे दिया? रियात को. दूसरी बात ये जो सिस्टम है पहले से बेहतर इस तरह से भी था क्योंकि इसमें आपने रिवेन्यू रेट्स को फ्लेक्सिबल रखा. रिवेन्यू रेट्स जो थे वो यहाँ पर फ्लेक्सिबल थे. हमने परमानेंट सेटलमेंट में क्या देखा था कि रिवेन्यू रेट्स को आपने फिक्स कर दिया थ्रू आउट योर लाइफ, राइट. सो वो सिस्टम को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया. अब हमने क्या कहा कि भाई रिवेन्यू रेट्स फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये कि भाई रिवेन्यू रेट्स को एज एंड वेन नीड कम्स गवर्नमेंट चेंज कर सकती है. ऑल्दो हमें देखने को मिलता है कि 45-55% ऑफ द टोटल यू नो प्रोड्यूस वाज टेकन अवे एज रिवेन्यू इन दिस सिस्टम आल्सो, बट येट गवर्नमेंट, इट वाज ऑन द गवर्नमेंट वेदर इट वांटेड इट कुड चेंज. दूसरी बात यहां पर ये तो इसके कुछ फीचर्स हमने देखे. अगर हम इसकी शॉर्टकमिंग्स की बात करें तो वो भी यहां पर हमें देखने को मिलती है. अगेन इट वाज नॉट अ परफेक्ट सिस्टम, शॉर्टकमिंग्स भी हमें यहां पर देखने को मिलती हैं. सो सबसे पहली जो शॉर्टकमिंग थी वो ये कि हालांकि इसमें मिडलमैन को एलिमिनेट कर दिया गया था लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो अब यहां पर कॉज ऑफ ट्रबल बन चुके थे रियात्स के लिए. ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि उन्हें लैंड को जाकर मेजर करना था एंड लैंड को मेजर करके उन्हें करेक्ट रिवेन्यू को कैलकुलेट करना था कि एक किसान से कितना रिवेन्यू लेना है. बट ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी ड्यूटीज नहीं निभाते हैं. अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, वो अपने ऑफिस में बैठे ही यहाँ पर जो है सिर्फ तुक्का मार रहे हैं ऑफिस में बैठे कि यार इस किसान से इतना हम रेवेन्यू ले लेते हैं, उस किसान से इतना ले लेते हैं, उसकी जमीन इतनी, अच्छा इतना रेवेन्यू. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वो फील्ड में जा ही नहीं रहे एंड ऑफिस में बैठे अपना यहाँ पर एक कागज के टुकड़े पर वो रिवेन्यूज नोट कर रहे हैं. अल्टीमेटली हो ये रहा है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनसे उनको कोई आइडिया ही नहीं है और जो किसान, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो किसान है वो यहाँ पर उसमें फंस जाता है क्योंकि जितना रिवेन्यू इन्होंने एस्टिमेट कर लिया उतना रिवेन्यू, उतनी फसल किसान की हुई नहीं एंड अल्टीमेटली किसान को भुगतना पड़ता है. इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर
क्योंकि ओवर कैलकुलेशंस यहाँ पर हो चुकी हैं, ओवर कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुकी हैं, जितना कि पेजेंट के पास है ही नहीं, उतने उससे ज्यादा कैलकुलेशन हो चुकी है। अल्टीमेटली ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या करते हैं, अल्टीमेटली ब्रिटिश ऑफिशियल्स यहाँ पर करते हैं यूज ऑफ टॉर्चर। अल्टीमेटली ब्रिटिश ऑफिशियल्स यहाँ पर यूज ऑफ टॉर्चर करते हैं टू कलेक्ट द रिवेन्यू, यानी कि अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स जाते हैं आपसे रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, आपके पास है नहीं, नेचुरली आप दोगे कहाँ से, एंड एज अ रिटेलिएशन वो यहाँ पर टॉर्चर एम्प्लॉय करते हैं। एज अ रिजल्ट हुआ क्या, एज अ रिजल्ट हुआ ये कि बहुत सारे जो पेजेंट्स थे, यानी कि बहुत सारे जो रयॉट्स थे, उन्होंने अपनी जमीन को अबंडन करके जंगल्स में जाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसी का नतीजा ये था कि 1855 में हमें मद्रास टॉर्चर कमीशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। मद्रास टॉर्चर कमीशन, अगेन इट वाज सच अ बिग प्रॉब्लम दैट गवर्नमेंट न्यू कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, जमींदार जो है या जो किसान है अपनी जमीन छोड़कर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो मद्रास टॉर्चर कमीशन वो एस्टेब्लिश करते हैं। यस इट इज ट्रू कि मद्रास टॉर्चर कमीशन के बाद जो चीजें थी वो सुधार आता है उनमें, एंड कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि साइंटिफिक वे में उसके बाद कैलकुलेशंस होनी शुरू होती हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द यू नो आफ्टर मैथ्स ऑफ द मद्रास टॉर्चर कमीशन। तो ये था लेडीज एंड जेंटलमैन यू नो रयौतवाड़ी सिस्टम। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चहल अकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ी पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।